बट वन नाइट ही वॉज स्लीपिंग इंजॉइंग अ डे, एक रात ऐसा था जो आराम से मस्ती से सो रहे थे आराम से अपने हरम में। शिवाजी हैड अटैक ऑन हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। यू नो दैट वी आर गोइंग टू हैव अ सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन द मुगल एम्पायर। टुडे आई एम गोइंग टू पार्टिकुलरली डिस्कस अबाउट औरंगजेब। हु वाज औरंगजेब? औरंगजेब वाज द थर्ड सन ऑफ शाहजहां एंड द फर्स्ट सन वाज द दारा सिको, हु हैड बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ धर्मात बाय हिज वन यंगर ब्रदर औरंगजेब। औरंगजेब ने सब भाइयों को, तीनों भाई को हरा के लास्ट में 1658 में ही बिकम द बादशाह। But he had not killed his father. His father was deported from Delhi to Agra. He was in prison where he lived for 8 years. अपने पापा को कोई बेल ट्रीट नहीं किया था, बस उनको रद्दी से हटा के आगरा शहर भेज दिया था। उनको आराम से एक किले के अंदर, आगरा फोर्ट के अंदर उनको बंदी बना के रख दिया था, ठीक है। But do you know why this person is mostly known in the Indian history? This person is mostly known in the Indian history for his orthodoxy. That वो बहुत क्रूल था, है ना। ही वॉज सो क्रूल दैट ही हैड डिस्ट्रक्टेड सो मेनी टेम्पल्स इन इंडिया, ही हैड कन्वर्टेड सो मेनी हिंदूज इन इंडिया, एंड ही वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। लेट अस सी दैट हु वॉज दिस पर्सन, वट वॉज हीज डेक्कन पॉलिसी, वट वॉज हीज रिलीजियस पॉलिसी, वट वॉज हीज राजपूत पॉलिसी, एंड देन वाई मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ओके, लेट अस डिस्कस ब्रीफली अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। ओके स्टूडेंट, सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेबलेस मुगल किंग। ही इज ऑल्सो नोन एज अ टाइटल कॉल आलमगीर। इनको टाइटल में आलमगीर बोलते हैं। आलमगीर मतलब होता है कंक्लूडर ऑफ द वर्ल्ड, अ पर्सन हु हैड कंक्लूड द वर्ल्ड, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज वेरी पावरफुल, बट इनके टाइम पे बहुत सारी घटनाएं हुई है। अबाउट हिम इट इज सेंट्रल दैट ही इज अ वेरी डिलीजेंट एंड डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन थे। ही वॉज वेरी सिंपल इन फूड एंड ड्रेसेज। He used to earn money for his personal expenses by copying the Quran and selling this copy. He did not drink wine also. कोई दारू वारू नहीं पीता था, कोई गाना उना कवाली वाली नहीं सुनता था। He was so disciplined. But the point is that why this person becomes so orthodox? इतने डिसिप्लिन थे, इतने सिंपल थे और इतने पढ़े लिखे भी थे। ही वॉज लर्न एंड स्किल एट द अरेबिक एंड द पर्शियन लैंग्वेज। ओके, ही वॉज अ बुक लवर ऑल्सो। ही वॉज डिवोटेड टू हिज रिलीजन एंड परफॉर्म प्रेयर्स 5 times अ डे। ही वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रमजान मंथ और पूरे शरिया को अच्छे तरह से चलाते थे। बट द पॉइंट इज दैट वाई दिस पर्सन वॉज ऑरिजिन ऑर्थोडॉक्स वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट आफ्टर सम टाइम। इससे पहले हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं इनकी डेक्कन पॉलिसी क्या थी। व्हाट वाज अ डेक्कन पॉलिसी ऑफ दिस पर्सन औरंगजेब? आप ये देखेंगे ये औरंगजेब का स्पेशली औरंगाबाद में बहुत भव्य महल है। यू कैन सी दिस वन दैट दिस वाज अ एंड आल्सो इट वाज औरंगजेब टॉम इन द तुलालाबाद इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बिकॉज डू यू नो स्टूडेंट, इन द लास्ट 2 decades ऑफ हिज रूल, टोटल उन्होंने 5 decades रूल किया है 50 वर्ष के आसपास, जिसमें के लास्ट के 3 decades जो थे वो साउथ इंडिया में बिताए हैं, डेक्कन में बिताए हैं। ही वॉज नॉट लिविंग इन द कैपिटल सिटी आगरा और दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज डेक्कन पॉलिसी ओनली। वो अपने डेक्कन को इतना मजबूत करना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू कंट्रोल ओवर सो प्रॉपरली ओवर डेक्कन दैट ही हैड लिविंग द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ इन द डेक्कन ओनली। तो डेक्कन पॉलिसी कंटिन्यूटी और चेंज पर आधारित है। इसको हम 3 decades के बाद में बोल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेक्कन पॉलिसी में इनको मिलती है वो शिवाजी का उदय था। तो शिवाजी राइज ऑफ शिवाजी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज यू नो दैट व्हेन औरंगजेब वाज नॉट इवन द किंग, ही वाज जस्ट अ प्रिंस एंड अ गवर्नर ऑफ साउथ इंडिया डेक्कन, ही हैड अ टसल विद शिवाजी। शिवाजी वाज राइजिंग आफ्टर 1643 एंड व्हेन औरंगजेब वाज कमिंग टू नॉर्थ इंडिया टू फाइट अगेंस्ट हिज ब्रदर दारा सिको एंड अदर, ही हैड वार्न्ड शिवाजी not to do any over smart. But once Aurangzeb came to north and he was busy in the war of succession with his brothers, Shivaji became very powerful by this time and he started capturing the territories of here and there. Later, hereafter, Aurangzeb had sent his one of the governor to South India to deal with the Shivaji matter. This person was the call Shasta Khan. तो सबसे पहले इन्होंने शास्ता खान को भेजा, आप जाइए और शिवाजी से टैकल करके आइए। शास्ता खान वेंट, ही प्लंडर्ड द पुणे सिटी, ही कैप्चर द सिटी, बट वन नाइट ही वॉज स्लीपिंग इंजॉइंग अ डे,
एक रात ऐसा था जो आराम से मस्ती से सो रहे थे आराम से अपने हरम में। शिवाजी हैड अटैक ऑन द टेंट एंड शस्त्र खान हैड बीन डिफीटेड। देयर आफ्टर औरंगजेब बिकम वेरी एंग्री ऑन हिज गवर्नर। ही कॉल हिज गवर्नर बैक ट्रांसफर टू बंगाल। लेटर एट औरंगजेब हैड सेंड हिज सेकंड गवर्नर कॉल राजा जयसिंह। ही वेंट देयर एंड ही हैड स्पेशली प्रेशराइज शिवाजी टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी हैड टू कम टू नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में सब आपको पता होगा कैसे शिवाजी नॉर्थ में आते हैं, हाउ ही वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब, हाउ शिवाजी एंड हिज सन साहू फ्लेड विद द कोर्ट, तो कैसे वो बाहर निकलते हैं एंड देन शिवाजी बिकम वेरी पावरफुल। इन वन ऑफ द अदर वीडियो आई विल डिस्कस इन शिवाजी। बट शिवाजी बट जैसे ही होता है शिवाजी की जो डेथ होती है, शिवाजी की डेथ 1680 में होती है, पर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नाउ डू नो व्हाट ही विल डू, देयर वाज टू सन ऑफ शिवाजी, वन वाज साहू अदर वाज राजा राम। तो साहू और राजा राम के बीच में दरार फैलाते हैं, कैसे, बिकॉज ही विल सपोर्ट राजा राम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साहू। एंड लेटर ऑन साहू वाज किल्ड बाय वन ऑफ द सोल्जर ऑफ औरंगजेब ओनली, और फिर राजा राम के पीछे पड़ जाते हैं। सो मराठा वाज वन प्रॉब्लम इन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। अदर प्रॉब्लम इनके थी अहमदनगर और बीजापुर। तो अहमदनगर आपको पता है पहले कैप्चर हो गया था शाहजहां द्वारा। नाउ द प्रॉब्लम वाज रिमेनिंग विद द बीजापुर एंड गोलकोंडा। सो बाई 1685 एंड 87 ही वाज एबल टू कंकोर औरंग बीजापुर एंड गोलकोंडा आल्सो। सो बेसिकली ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन द डेक्कन पॉलिसी, बट बिकॉज ऑफ हिज डेक्कन पॉलिसी ओनली ही वाज नॉट एबल टू गिव अटेंशन इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। सो डेक्कन पॉलिसी personally at a time he was successful in the Deccan policy, but for the future perspective Deccan policy was the major reason behind the decline of Mughal empire only, okay, because he could not give attention to the other places also, this is what we know. Last mein kya hota hai, inka death Deccan policy mein hi 1707 mein hota hai, jisko hum bolte Deccan ulcer. So 1689 से 1707 के बीच में जो डेक्कन में रहे ना, उस इंसिडेंट को हम बोलते हैं डेक्कन अल्सर, बिकॉज ऑफ दैट दैट थिंग्स ओनली दिस पर्सन हैड डाइड। व्हाट वी मोर नो अबाउट दिस पर्सन, ये आप एक कोट देख लीजिए, इट इज औरंगजेब एट द सीज ऑफ गोलकोंडा इन 1687, और हाउ ही वॉज वेलकम बाई द पीपल्स स्पेशली इन दिस स्टेट। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वॉज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ दिस पर्सन स्टूडेंट, इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या था उसे हम समझ लेते हैं। So he was a very ardent Sunni Muslim and was a champion of Sunni orthodoxy of the time. He was ruling on the basis of Sharia. He did not want to see Shia. To his mind, every precious Muslim must carry jihad, the holy war, against Darul-e Harab. इनका मानना था कि Darul-e Harab पे हमें डिफाइन करना है। सो दारुल हरब इज नॉट गुड, इट इज अ लैंड ऑफ द नॉन मुस्लिम। सो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश दारुल इस्लाम इन इंडिया। सो ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट दारुल हरब, दैट इज अ नॉन मुस्लिम लैंड। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ दारुल इस्लाम इन इंडिया, दिस इज व्हाट वी मोर नो। स्पेशली डू यू नो व्हाट ही हैज डन, ही एस्टैब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू इन्फोर्स मोरल कोड्स अंडर ऑफिसर कॉल मुतसाब, है ना। द यूज ऑफ द भांग एंड द अदर ड्रग्स वाज प्रोहिबिटेड, ड्रिंकिंग वाज आल्सो प्रोहिबिटेड इन कोर्ट, इवन म्यूजिक भी अलाउड नहीं था। औरंगजेब फॉरबिड म्यूजिक इन द मुगल कोर्ट आल्सो, दिस इज व्हाट वी नो। इन्होंने झरोखा दर्शन भी बंद कर दिया था। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग कलीमा ऑन द कॉइन। ही ऑल्सो बैन द नवराज फेस्टिवल और पारसी फेस्टिवल को भी बैन कर दिया था। ही री इम्पोज जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्सेस, ओके। लेटर ऑन औरंगजेब इवन पनिश्ड सूफी संत, है ना, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लिबरल पॉलिसी, एंड दिस पर्सन इज बिहाइंड द किलिंग ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। इससे पहले गुरु हरकिशन जो थे उनकी भी डेथ चिकन पॉक्स से हो गई थी, व्हेन स्पेशली औरंगजेब हैड कॉल्ड देम। सो दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन हिज टाइम द टू सिख गुरु हैड डाइड, वन वाज किल्ड बाय हिम ओनली, अदर हैड डाइड बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स इन दिल्ली ओनली। अबाउट दैट वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो दिस इज दैट, अपार्ट फ्रॉम इट, in his religious policy this person is mostly known for his orthodoxy. Why? Let us see. Kyun itna hai? So he learned that Multan, Thatha and particularly Varanasi, these are the major reviving teaching place for Hindu Brahmins and they have attracted major Muslims also. He ordered the subedar of these three provinces to demolish schools and temples of non-Muslims. About, do you know, student, about 16 temples were demolished by orders.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो तुरे गए थे औरंगजेब द्वारा वो था केशव देव टेम्पल, इट्स अ साली ईदगाह मॉस्क्यू एट मथुरा राइट नाउ। तो सबसे पहला टेम्पल जो इन्होंने तोड़ा, जिसको मैं फिर से आपको अगर समझाऊँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट इज ब्रोकन बाई दिस पर्सन, दिस इज द केशव देव नाथ टेम्पल, केशव देव टेम्पल दैट इज द प्रजेंट टाइम इट इज द साली ईदगाह मॉस्क्यू इन मथुरा। देन वी हैव बिशेश्वर टेम्पल, इट्स अ ज्ञान बापी मॉस्क्यू, ये दो मेजर टेम्पल इन्होंने तोड़ा। औरंगजेब ऑल्सो ऑर्डर्ड सूबेदार्स टू पनिश मुस्लिम्स हु ड्रेस लाइक नॉन मुस्लिम्स, सो एजुकेशन ऑफ द सूफी मिस्टिक सरमंद रसानी एंड द नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर बियर द टेस्टमोनी दैट औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स। ये दो मस्जिद है जिसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। ये कंपाइलिंग हनीफ बाई लॉ इंट्रोड्यूसिंग द फतवा जहांगीर की बात है। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल, इट्स अ सेमी डेमोलिश वॉल ऑफ द टेम्पल पिलर एंड रूइंस विजिबल इन द स्केचेज ऑफ द मॉस्क्यू बाई जेम्स प्रिंसेस। तो जेम्स प्रिंसेस के टाइम पे इसकी टूटी हुई मस्जिद की पॉइंट है। दिस इज द केशव देव टेम्पल, इट इज सिचुएटेड प्रेजेंट टाइम इट इज नोन एज अ शाही ईदगाह मॉस्क्यू। यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे एक मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं टेम्पल और मस्जिद दोनों हैं। पर यहाँ पे इस पर बहुत ही अभी भी कंट्रोवर्सियल चल रहा है दैट इनिशियली दिस होल एरिया वॉज द टेम्पल केशव देव टेम्पल दैट इज डिस्ट्रॉयड एंड देन एट दिस प्लेस द मॉस्क्यू हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाई औरंगजेब। अपार्ट फ्रॉम इट लेटेस्ट डिस्कस इज राजपूत पॉलिसी। हिज फादर वॉज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स राजपूत, और अकबर की राजपूत पॉलिसी बहुत अच्छी थी, पर इनकी पॉलिसी जो डोमिनेंट वाली पॉलिसी है ना, तो फर्स्ट फेज में आप देखेंगे ही हैड अ वेरी फ्रेंडली एंड द कोर्डियल रिलेशन विद द राजपूत। सो राजपूत फॉट अगेंस्ट औरंगजेब टेकिंग द साइड ऑफ दारा, तो उनको बहुत दिक्कत किया इन्होंने। औरंगजेब इमज विक्टोरियस एंड देवर पार्डन्स, इनको पार्डन कर दिया। सो डिग्री ऑफ द वार्म इन द मुगल राजपूत रिलेशन फर्स्ट 10 years वॉज वेरी गुड। वी हैव राणा राज सिंह, राणा जय सिंह कछवाहा ऑफ अमेर एंड देन वी हैव महाराणा जसवंत सिंह हैड सपोर्टेड औरंगजेब। इन द सेकेंड फेज द एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट चेंजेस इमर्ज बिकॉज ऑफ सस्पिशियस माइंड सेट ऑफ औरंगजेब। इन 1660 राणा राज सिंह ऑफ मेवार अटैक मुगल प्रोटेक्टेड एरिया इन इज निजर बाई किशनगढ़, और बाद में चलकर दिक्कत होता है। इन 1663 शिवाजी अटैक द मुगल कैंप इन पुणे एंड देन शास्ता खान को डिफेंड होता है। तो इनके जो चेंजेस है चेंजेस रहा है। थर्ड फेज में प्रॉब्लम्स आई थी राजा जसवंत सिंह का। इन 1678 व्हेन जसवंत सिंह हैड डाइड विदाउट लिविंग एनी मेल हायर, अकॉर्डिंग टू मुगल प्रैक्टिस द स्टेट ऑफ मारवाड़ वाज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब एंड ही ट्राइड टू सेल इट टू द ओपोनेंट ऑफ द जसवंत सिंह फैमिली। आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ पोस्टमस डे सन अजय सिंह वॉज बॉर्न, तो बाद में चल के ही डिसाइडेड टू गिव दिस टू अजय सिंह, है ना। यही पे राठौर रिवेलियन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। पर इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब की जैसी डेथ होता है इन द 1707 ही सन से स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर। औरंगजेब के टाइम में ही उनके बेटे उनसे लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वन सच एग्जाम्पल ऑफ द अकबर, औरंगजेब के बेटे का नाम ही था अकबर। सो अकबर जो था मोहम्मद अकबर ही हैड बीन कंस्टेंटली फाइटिंग विद द फादर ओनली एंड ही वॉज सपोर्टेड बाई साहू। ही वॉज औरंगजेब फोर्थ सन एंड ही रेवेल अगेंस्ट हिज फादर इन 1681। लास्ट में चल के इनकी डेथ हो आती है। तो दिस पर्सन हैज मेनली 5 इंपॉर्टेंट सन्स, एक जो थे गोद ले हुआ बेटा था। 6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हु वर कंस्टेंटली फाइटिंग फॉर द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। पहला है मोहम्मद आजम शाह, सेकेंड वी हैव मोहम्मद सुल्तान, देन वी हैव मुअज्जम हु इज नोन एज बहादुर शाह, फर्स्ट ही बिकम विक्टोरियस, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद खान बत्स एंड देन वी हैव जुल्फिकार खान नुसरत जंग, है ना। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे हमारे पास मोहम्मद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज दी मुअज्जम। मुअज्जम बिकम विक्टोरियस विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह एंड ही बिकम द स्पेशली बादशाह ऑफ दिस। So this is what we know, the briefly history of Aurangzeb. In the next video, I will make you understand that who are the important successors of Mughal and what is the major causes behind the decline of Mughal Empire. In the series of video, I will be also making videos on the political, art and culture, literature and other parts of Mughal Empire. Yes, student, I hope that you are able to understand this video. If you have any doubt, please feel free to comment on the YouTube link. I will be happy to reply that, okay? In other videos, we will meet you. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our Plutus IS channel.